हम देख रहे हैं हेलेन केलर। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज दिया है, अभी हमने टेक्स्ट बुक का रीसेंट वर्जन देखा। हु वॉज बॉर्न इन द स्मॉल टाउन? अ हेल्दी बेबी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल टाउन। तो उनका नाम क्या था, कहाँ पे बॉर्न हुए? अलाबामा। तो बेबी का नाम क्या था? द नेम ऑफ द बेबी गर्ल वॉज हेलेन केलर। One day the baby became ill and after that her fever got very high. ठीक है, so everyone in the family treated and helped Helen to get better, right? सबको उनकी पड़ी थी। Helen was same after her illness. तो है wrong. तो वो सब लोग इलनेस के बाद तो वो एकदम अलग हो गई। हर पेरेंट्स फेल दैट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर द इलनेस। दे ऑल्सो फेल्ड समथिंग वेरी रॉन्ग, कुछ तो भी रॉन्ग है इनके साथ। हु फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग? हेलेन्स पेरेंट्स फाउंड आउट इट वॉज रॉन्ग, क्योंकि पेरेंट्स को पहले पता चल जाता है बच्चों। तो 65 पेज यहाँ पे हमारा डन है। फिर बाद में नेक्स्ट पेज हम देखेंगे। वॉट वॉज रॉन्ग हर इलनेस? द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। तो वो देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी। हु सेड गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स? तो ए हेलेन्स फादर ने बोला, जो उनको चाहिए वो आप दीजिए। सम पीपल कुड हियर कुड नॉट हियर एनी थिंग। तो क्या था वो? तो हेलेन कुड नॉट हियर, कुछ देख नहीं पा रहे थे। सम पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ वो सीख नहीं पाएंगे, उनको ऐसा लगा। हु डिड नॉट अग्री दैट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग? तो हेलेन मदर डिड नॉट अग्री, वो बोले दैट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ नहीं वो पढ़ पाएगी। Who said Helen is a smart? Is very smart. B Helen's mother, कि वो बहुत ज़्यादा smart है। तो Helen की मम्मी बिल्कुल ऐसा सोचती नहीं थी कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो बहुत ज़्यादा कर पाएगी क्योंकि वो smart है बच्चों। फिर है according to the Helen's mother, the problem was how to reach, as she was locked up inside, क्योंकि वो अपने विचारों में लॉक्ड हो गई थी, वो बोल नहीं पा रही थी। और वो हेलेन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, शी कुड नॉट लेट एनी बडी कोमर हेयर, वो किसी को टच करने नहीं देती थी। और बाल बनाना तो बहुत दूर की बात थी। तो आपको ये बताना है, व्हाट डिड हेलेन्स पेरेंट्स थिंक ऑफ हर? हर पेरेंट्स थॉट दैट शी कुड नॉट फाइंड दैट दे थॉट दैट दे शुड फाइंड द टीचर, टीचर से वो पढ़ेंगे हमसे नहीं। तो हु वॉज मिस सुलेमान? ये हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा बच्चों, यहाँ भी वापस देख रहे हैं हम कि मिस सुलेमान वॉज हर यंग टीचर हु अग्रीड टू हेल्प हर। हु विच वर्ड डिड हेलेन स्पेल फर्स्ट? हेलेन स्पेल और हेलेन स्पेल्ड डॉल, बी ओ एल एल। मिस सुलेमान मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस। फिर है फाइंड टू वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट डिस्क्राइब सुलेमान, दैट इज स्ट्रिक्ट और काइंड। हु वॉज हेलेन्स टीचर? मिस सुलेमान वॉज हेलेन्स टीचर। व्हाई डिड टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इन टू द रनिंग वाटर? टीचर मेड हेलेन पुट द रनिंग वाटर हर हैंड इन टू द रनिंग वाटर, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि ये वेट है, रनिंग वाटर में उनका हाथ भीग गया है, ये सब बताने के लिए बच्चों उन्होंने पानी में रखा। वाटर वॉज द फर्स्ट वर्ड फॉर हेलेन, पहला शब्द उन्होंने ये सीखा। विच वर्ड अबाउट द पैसेज इज यूज टू डिस्क्राइब वाटर? वेट एंड रनिंग। फिर है 67 पेज हो गया हमारा कंप्लीट। तो नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ, यूज अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड इज द sentence of your own, the student should answer understood the chapter very well. तो chapter 5 हम कर रहे हैं हेलेन केयर,
पेज नंबर 68. व्हेन वाज हेलेन केलन बॉर्न? और शी हेलेन वाज बॉर्न इन समर ऑफ 1880. यूज डियरली इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. आई लव यू डियरली बिकॉज यू आर माई फ्रेंड. तो आप ये यूज कर सकते हैं. हेलेन इज इल राइट फ्रॉम हर बर्थ. रॉन्ग. व्हाट डिड हेलेन से व्हेन हेलेन वाज इल? सब क्या बोले? तो एवरीबडी इन द फैमिली हेल्प हेलेन टू गेट बेटर, बट दे कुड नॉट से नथिंग. बट वो बोले कि बेबी शायद मर जाएगी, वो नहीं रहेगी. द बेबी माइट नॉट लिव. समथिंग इज रॉन्ग, हेलेन की मम्मी बोली. तो हर इलनेस, उनकी बीमारी इतनी सारी थी. हेलेन पेरेंट्स फाउंड दैट हेलेन कुड नॉट ए सी एंड हियर. ऑल्दो हेलेन कुड नॉट हियर, वॉट काइंड ऑफ गर्ल शी वॉज? हेलेन वॉज स्मार्ट और ब्राइट. फिर है, व्हाट डिड हेलेन रिएक्ट व्हेन शी बिगैन टू ग्रो वाइल्ड? व्हेन हेलेन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, शी कुड नॉट लेट एनी बडी कोम हर हेयर. बाल बनाने नहीं देती थी, कपड़े भी डर्टी पहनती थी, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी, और फ्लोर पे सबको लातम लाती करते थे, है ना? हु अग्रीड टू हेल्प हेलेन? मिस सुलेमान, अ यंग टीचर, अग्रीड टू हेल्प हेलेन. यूज अग्रीड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. ऑल टीम प्लेयर्स अग्रीड टू फॉलो द रूल्स. ठीक है, फिर है, मिस सुलेमान गेव हेलेन अ डॉल. मिस सुलेमान स्पेंड द डॉल वर्ड डॉल डी ओ एल एल सी विद अ फिंगर्स ऑन हेलेन हैंड. वो ऐसे लिखते थे, फिर उनको समझाते थे. हेलेन लाइक्ड मिस सुलेमान. तो राइट, मिस सुलेमान वॉज नॉट काइंड. रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा काइंड थे और बहुत ज़्यादा उनको प्यार से पढ़ाते थे. मिस सुलेमान स्पेंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स ऑफ हेलेन ऑन हर हैंड टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड. बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखते थे ताकि वो समझ पाए. डेडिकेटेड लॉट ऑफ वर्ड्स. राइट रॉन्ग, डिक्टेटेड लॉट ऑफ वर्ड्स नहीं, डिक्टेट नहीं किया था उन्होंने, ऐसे ही समझाया था. व्हाट डिड हेलेन लर्न वह टीचर पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर. डिक्टेट करना मतलब मैं जैसे आपको बता रही हूँ, लिखो. व्हेन द टीचर पुट हेलेन्स हैंड, तो आप लिख रहे हो, बट आपको मैं समझा रही हूँ कि जब टीचर ने अपना हाथ हेलेन के हाथ में डाला, उसको कहते हैं कहना, समझाना. ठीक है, डिक्टेट करना मतलब लिखवाना. सो व्हेन टीचर पुट हर टीचर्स हेलेन्स हैंड इन रनिंग वाटर, तो उन्होंने स्पेल्ट किया वाटर. फिर उनको पता चला कि ये पानी का भाव है, और उनका हाथ जब भीग गया तब उनको पता चला ये पानी है और ये रनिंग है उनके हाथ पे. व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेलेन फाइनली अंडरस्टूड? देन फाइनली अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड. द वर्ड्स कुड टेल एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. तो ऐसा है, तो वर्ड्स उनको पता चल गए कि अभी मुझे ये कहना है. हाउ डू पीपल हु अंडरस्टैंड कैन नॉट अंडरस्टैंड वी? तो ब्लाइंड पीपल हु रीड बुक्स यूजिंग द ब्रेल सिस्टम वर दे कैन रीड द अल्फाबेट थ्रू टच. तो ये चीज़ है, वो लोग टच से पढ़ सकते हैं बच्चों. फिर है, विच स्क्रिप्ट इज फॉर द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड? इट्स ब्रेल स्क्रिप्ट. उसका स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों, कैसे लिखा है, ब्रेल. हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी? वी कैन हेल्प चिल्ड्रन बाय होल्डिंग द हैंड्स, उनका हाथ पकड़ के, जैसे प्लेइंग इंडोर गेम्स होता है वैसे, सो दैट दे कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. तो ऐसे हम कर सकते हैं बच्चों को, और वो डेफिनेटली सीखेंगे. तो मैच द कॉलम करते हैं. फर्स्ट है, हेलेन लिव्ड इन हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर टू सी. तो ये लिखना है आपको, शी कुड नॉट हियर टू सी बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत होशियार थी. पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर
Mother thought she could learn. Helen occupied the words, but she could not understand what she was doing. Miss Lemon was strict, but she was kind to Helen. वो पढ़ाई में strict थी, but वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सौम्य थी. Join the following sentences. Priya and Sumana, my friends. तो join करना है आपको. She is a good singer, but doesn't know how to dance. My father and mother are tall. I love to eat fruits and vegetables. तो ये आपको. फिर लिखना है, आई थिंक टू ड्रिंक, आई लाइक टू ड्रिंक बनाना शेक, बट आई डू नॉट लाइक मिल्क. मोहन हैज़ अ बैट बट डजंट हैव अ बॉल. शी रैन वेरी फास्ट बट कुड नॉट विन द रेस. माई मदर इज स्ट्रिक बट शी लव्स मी. हर क्लोथ्स आर ऑलवेज डर्टी. शी वॉज ऑफन एंग्री. समटाइम्स शी लेज. ये भी हो गया हमारा टेक्स्ट बुक में. हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड हर. ठीक है, ऑफन कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो आपको देखना है. तो चलिए आगे देखते हैं 26 पे. ही ऑफन लिसन्स टू द रेडियो. दे समटाइम्स रीड अ बुक. पीटर नेवर गेट्स एंग्री. किया इज ऑलवेज फ्रेंडली. आई समटाइम्स टेक शुगर इन टी. रमन इज ऑफन हंग्री. My grandmother always goes for walk in the evening. Sonu sometimes helps her mother in the kitchen. They never watch TV in the garden. Hina often walks after dinner. I have a pet dog. Its name is Kitu. It is for white color and soft to touch. When I throw the ball, he runs. वो लेकर आ जाते हैं. वो दूध पीते हैं. और किटू बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स आते हैं. एवरीवन इन माय फैमिली लव्स किटू. इट इज़ लाइक आवर फैमिली मेंबर. माय फ्रेंड्स आल्सो लव टू प्ले विद किटू. तो इसके साथ हमारा 72 पेज ख़त्म हो गया है बच्चों. हमारा कोर्स भी ख़त्म हो गया. हेलेन केलर, ऑल द बेस्ट. अच्छे से लर्न कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट सेम में. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. हैप्पी लर्निंग.